बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का 3 दिवसीय प्रवचन शुरू। कई देशों के हजारों बौद्ध धर्मगुरु और श्रद्धालु हुए शामिल। तथागत के तपोभूमि बोधगया के कालचक्र मैदान में बौद्धों के शीर्ष धर्मगुरु दलाई लामा का आज से 3 दिवसीय प्रवचन शुरू हुआ। दलाई लामा को सुनने के लिए विश्व के लगभग 50 देश के हजारों बौद्ध धर्मगुरु और श्रद्धालु शामिल हुए। इसे लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। कालचक्र मैदान के चारों तरफ पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं धर्मगुरु के प्रवचन को श्रीलंकाई, तिब्बती, जापानी, कंबोडिया, हिंदी सहित कई भाषाओं में प्रसारण किया जा रहा है। कार्यक्रम को लेकर कालचक्र मैदान में भव्य पंडाल बनाया गया है, जहां पंडाल के मंच पर विराजमान होकर धर्मगुरु दलाई लामा ने तिब्बती भाषा में विशेष प्रार्थना की। इसके बाद प्रवचन का कार्यक्रम शुरू हुआ। उन्होंने श्रद्धालुओं को विश्व शांति के लिए विशेष प्रवचन दिया। प्रवचन के दौरान धर्मगुरु दलाई लामा ने बौद्ध अनुयायियों से कहा कि कभी भी नकारात्मक सोच न रखें, सभी लोग एक दूसरे की मदद करें ताकि पूरे विश्व में भाईचारे का माहौल पैदा हो, पूरे विश्व में शांति बनी रहे। इसके लिए भगवान बुद्ध के संदेशों को आत्मसात करें। बुद्ध के बताए मार्ग पर चलकर ही पूरे विश्व में शांति लाई जा सकती है। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए प्रदीप रंजन की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।